हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 6th क्लास की विज्ञान की साइंस की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, आज जो हमारी जो 4th जो हमारी वर्कशीट है, कार्यपत्रक है हमारी साइंस की विज्ञान की, और जिसकी तिथि है बेटा वो है 16 जुलाई 2021। तो आज जो है हम अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है, सना है, मीनाक्षी है, राहुल है, सन्नी है, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और फिर आपकी कक्षा अध्यापिका मतलब आपकी जो क्लास टीचर है उनका आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आज हम क्या है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो शुरू करते हैं कि वासु, ये जो लड़की है, वासु क्या आपको विज्ञान की पिछली वर्कशीट में दिया गया काम याद है। मतलब ये पूछ रहा है कि आपको जो पिछली वर्कशीट में जो काम दिया गया था वो क्या आपको याद है। तो ये जवाब देता है कि हाँ दीदी, विज्ञान में हमें उन 10 चीज़ों के नाम लिखने थे जो हम अपने पिछले स्कूल में देख पाए थे और नए स्कूल में भी देखेंगे। कि हमने, आपको याद होगा, हमने लिखे थे कि हमें ब्लैक बोर्ड दिखेगा, हमें बस था, हमारी टीचर थी, डेस्क था। ठीक है, तो ये हमारे जो पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था। अब क्या कहता है कि क्या बात है वासु, अब हम एक खेल खेलेंगे, मतलब एक खेल और खेलेंगे। नीचे दो सारणी दी गई है, ये वाली सारणी और ये वाली। ठीक है, एक सजीव वस्तुओं के लिए और दूसरी निर्जीव वस्तु के लिए। सजीव वस्तु कौन कौन होते हैं, जिसमें जान होती है। नॉर्मली हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब जिनके अंदर जान है, जैसे हम हैं, हम क्या है, सांस ले रहे हैं, हम प्रजनन कर रहे हैं, हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, मतलब उत्सर्जन कर रहे हैं, हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है सजीव हैं। और निर्जीव क्या है, जो ऐसे ही पड़ा है, जैसे आपकी डेस्क है, बोतल है, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकता। ठीक है, वो निर्जीव वस्तु होती है। आपके पास पहले से 10 वस्तुओं की सूची है जो आपने पहले बनाई थी। अपने आसपास से और 10 और वस्तुओं के नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, 10 और वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी आप वो भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको सजीव लगता है। जैसे क्या है आपके जो, ठीक है, जैसे आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त हैं आपके, वो भी क्या है, सजीव है। पहले हम यहाँ पे दोस्त, ठीक है, जो आप चहचहाती हैं, चिड़िया सुबह, चिड़िया, ये भी सब ये क्या है, ये सजीव हैं। पेड़, ठीक है, अध्यापक, ये सब क्या है, ये क्या है हमारे सजीव हैं। इसके अलावा आप पहले ये लिखिए और क्या है, जैसे आप मच्छर, ठीक है, मच्छर ये भी क्या है, सजीव है। कुत्ता है, ठीक है, छिपकली है, ये सब क्या है सजीव में आती है। चूहा है, ठीक है, इंसान, हम हैं, ह्यूमन बींग जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, इंसान, ये सब क्या है, सजीव में आते हैं। तो ये आप यहाँ से बेटा लिख सकते हैं। इसके अलावा बिल्ली, कुत्ते, गाय भी लिख सकते हैं आप, ये सब क्या है, ये सब सजीव है। ठीक है, अब हम आते हैं निर्जीव वस्तु पे कि निर्जीव कौन कौन सी वस्तु है। ठीक है, स्कूल की घंटी निर्जीव है। ठीक है, और क्या है, आप जिससे लिखते हैं आप पेन, वो क्या है, वो भी निर्जीव है। पेंसिल, ठीक है, पेंसिल क्या है, पेंसिल जो है आपकी, वो भी निर्जीव है। आपके साइकिल जिस पे बैठ के आप जाते हैं, साइकिल, ठीक है, इसको बाई साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं, साइकिल हो गई। आपकी कुर्सी पे आप बैठते हैं, कुर्सी, ये भी क्या है, आपकी निर्जीव है। आपकी मेज या टेबल जिसको आप बोलते हैं, ये आपकी निर्जीव है। आप पहले इतना उतारें, पोज करके फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, पेन पे आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है, श्याम पट जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब क्या है, निर्जीव है, श्याम पट। ठीक है, आपकी बोतल, पानी की बोतल, फ्रिज, ये सब क्या है, आपकी निर्जीव है। बस आपकी निर्जीव है। ठीक है, ये सारी क्या है, निर्जीव है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे मेंशन, ठीक है, सॉरी, इतना लिखो आप। आप क्या है, पंखा, पंखा में आप बैठते हैं, पंखा क्या, ये भी निर्जीव है। ठीक है, घड़ी, आप घड़ी जिसमें देखते हैं, घड़ी। आपकी अलमारी,
आप जो बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वो भी क्या निजी, बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने हमें बता दिया, हमने बता दिया है सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। इसके बाद हमारी वर्कशीट में जो हमें ये जो मैसेज दिया होता है, इसको हमें पढ़ना, और पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें इसको लागू भी करना है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। हमें जो मास्क है वियर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की हमारी 6th क्लास की वर्कशीट है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसी ही अच्छी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।